फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट लंप इनफर्टाइल एज ग्रुप। ज़्यादातर बच्चियां, लेडीज फर्टाइल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट लंप डेवलप हो जाते हैं। एक होता है फाइब्रोएडिनोमा और दूसरा होता है फाइब्रोएडिनोसिस। फाइब्रोएडिनोमा मोस्टली और ये एडिनोसिस भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। ये प्रेगनेंसी में बढ़ सकते हैं। फाइब्रोएडिनोमा एक स्मूथ लंप होता है, हार्ड लंप होता है जो स्किन के नीचे फिसलता है। इसे माउस ऑफ द ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये 2 सेंटीमीटर या उससे भी छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, ब्रेस्ट से भी ज़्यादा बड़े। इसको फिलोइड ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। तो ये आपको, और दूसरा होता है फाइब्रोएडिनोसिस। फाइब्रोएडिनोसिस ये सिर्फ एक लंपी चेंजेस होते हैं, पूरे ब्रेस्ट में फैले हुए होते हैं और ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंसिस से पहले ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लंप, ये काफ़ी टेंडर हो जाता है। तो फाइब्रोएडिनोसिस के लिए तो मोस्टली आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ती है। इसका मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, विटामिन ई लेने से और प्रिमरोज ऑयल लेने से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लगभग जो है, अगर 1000 मिलीग्राम प्रिमरोज ऑयल लेंगे पर डे फॉर 21 डेज तो मोस्टली फाइब्रोएडिनोसिस ठीक हो जाते हैं। अगर किसी का नहीं होता है तो डेनाजोल भी देना पड़ता है, उसकी डोज भी 100-400 मिलीग्राम पर डे 3-6 मंथ तक दे सकते हैं। अब आते हैं फाइब्रोएडिनोमा पे। फाइब्रोएडिनोमा एक थोड़ा सा सॉलिड लंप होता है जो एकदम ब्रेस्ट से अगर पालपेट करेंगे तो हाथ के नीचे से फिसल जाता है, इसलिए इसको माउस ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। इसमें मेडिसिन का रोल थोड़ा कम होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम है तो इसमें मेडिसिन का रोल है। स्पेशली आजकल मैं देख रही हूँ कि अगर उसमें ऑर्मिलोक्सेलिन है, ऑर्मिडॉक्सीफेन के नाम से आता है या नोविक्स डीएस में भी है, तो अगर ये देते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए तो ये रिस्पॉन्ड कर जाता है और साथ में प्रिमरोज ऑयल भी दें और विटामिन ई भी दें तो कई बार लेस देन 2 सेंटीमीटर फाइब्रोएडिनोमास जो हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं और कभी कभी ये अपने आप भी डिसअपेयर हो जाते हैं। अगर ये ट्यूमर बड़े हैं, 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं तो इसको जायंट फाइब्रोएडिनोमा कहेंगे, तो इसको सर्जिकली ही रिमूव कराना पड़ता है। इसको कि ये मोस्टली तो ये नॉन डेंजरस होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक जांच होती है एफएननेसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें लंप को पकड़ के इसमें एक नीडल डालते हैं, उसमें से कुछ सेल्स ले लेते हैं, उन सेल का पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं। उसमें कोई एटिपिकल या कैंसरस सेल्स तो नहीं है। अगर वो कुछ डेंजरस सेल्स, एटिपिकल सेल्स का ज़्यादा होती है अमाउंट, तो फिर इसको फाइब्रोएडिनोमा को तुरंत जल्दी रिमूव करा देना चाहिए। और फाइब्रोएडिनोसिस में तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ही लेके ही उससे ही आराम पड़ जाता है। और फाइब्रोएडिनोमा में अगर एफएनएसी में नॉर्मल आया है तो कुछ ज़्यादा टेंशन, ये सालों पड़े रहते हैं और इसमें कैंसर डेवलप होने के चांस बहुत कम होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर चेंजेस होता, अगर ये मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो इसे सर्जिकली रिमूव भी करा लेना चाहिए। और अगर ये छोटे हैं तो पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई थिंक मैंने आपकी काफ़ी टेंशन रिलीव करी है फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोएडिनोसिस के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।